मैं एक बात मैंने अभी हाल में फेसबुक पर लिखा था कि जब भी मैं किसी वामसेव के कार्यक्रम में जाता हूं तो पहला सवाल लोग करते हैं किसका वामसेव, कौन वाला वामसेव, किस गुट का वामसेव। तो बताइए इस गुट का वामसेव, तो कहते हैं वो ओरिजिनल नहीं है, ये वाला ओरिजिनल है। तो लगभग 10-12 ओरिजिनल वामसेव मार्केट में घूम रहा है, लेकिन आरएसएस कितना, एक आरएसएस, एक आरएसएस इसलिए सत्ता में है और 10-12 वामसेव है इसलिए हम गुलाम बने हुए हैं और अगले 20 साल में गुलाम। हमारे समाज में मेढक ज्यादा पाए जाते हैं, अगर हम लोग हमारे नेताओं को तराजू में तोलना चाहते हैं, मेढक कहां से तराजू में तोले जा सकते। हमारे समाज केकड़ावाद में भरोसा करता है, एक केकड़ा का ऊपर चला गया तो 25 केकड़े उसको खींच के नीचे गिरा देते हैं। कम से कम जो आपका आयोजन है और ये बहुजन समन्वय सम्मेलन है जो ऐसी चर्चा है कि कई राज्यों में होने वाला है, मैं ये चाहूंगा इस मन से कि हम सब मिलकर अपने समाज में जो ये मेढकवाद है और जो ये केकड़ावाद है इससे अपने समाज को मुक्त करें। आज के इस आयोजन में बहुत सारे लोग आने वाले थे, कुछ लोगों ने कहा था ये लोग नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा है खास पार्टी हमारी है दलितों के, उसके खिलाफ तो नहीं खड़े होने जा रहे हैं। अरे भाई तस्वीर में बाबा साहब है, तमाम सारे महापुरुष है, हम इनकी बातें करने जा रहे हैं, उन्हीं की बात सुनने और उन्हीं की बात करने के लिए आ जाओ। लेकिन हम सब ने अपने अपने खांचे बना रखे हैं, यहाँ बजरंग दल काम करता है, विश्व हिंदू परिषद काम करता है, दुर्गा वाहिनी काम करती है, ऐसे लंबी फेहरिस्त संस्थाओं की इतने सारे इनके मुंह है काम करते हैं कि नहीं कि आपस में कोई लड़ाई नहीं है, सबका लक्ष्य एक है, सब एक ही जगह वोट डालते हैं, उनके नेता उनको धोखा नहीं देते हैं, उनके नेता अपने एजेंडा पे काम करते हैं, चाहे सो कॉल्ड ओबीसी हो या ब्राह्मण हो या कोई भी सवर्ण हो, इनका जो नेता सत्ता में होगा वो वही काम करेगा जो आरएसएस का एजेंडा है।